राम राम जी। और क्या मौज आ रही है। मेरा नाम है पवन लोहमोर्ड और मैं रहता हूँ जापान में। 3 साल से ज्यादा के आसपास हो गए मुझे। इस वीडियो में ऐसी 10 चीजें बताऊंगा जो जापानीज लोग इंडियन लोगों से अलग करते हैं। मेरे हिसाब से इंडियन से नहीं पूरी दुनिया से अलग करते हैं। नंबर 1, वैलेंटाइंस डे दुनिया में मनाया जाता पूरे धूमधाम से। लड़के लड़कियों को गिफ्ट देते हैं, प्रपोज करते हैं और पीछे लग जाते हैं और एकदम आज सेटिंग हो जाएगी वैलेंटाइन डे। इतने तो दिन रहते हैं, प्रपोज डे, रोज डे, किस डे, हग डे, मूड डे, पता नहीं क्या क्या तो दिन रहते हैं यार। जापान में वैलेंटाइन डे में पता क्या होता है, लड़कियां लड़कों को गिफ्ट देती है, लड़के कुछ नहीं देते। ये जापान में यही रूल है। पूरी शॉपिंग मॉल में भीड़ लगी रहती है, हर जगह लड़कियां खरीदती हैं सामान, चॉकलेट्स वगैरह और गिफ्ट विफ्ट देती हैं। वो लड़कों को मिलते हैं गिफ्ट और लड़के कुछ नहीं देते। ये जापान में ऐसा उल्टा होता है। पर उसके बदले में क्या होता है, जैसे 14 फरवरी होते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है, तो जापान में 14 मार्च होता है व्हाइट डे, उसको बोलते हैं व्हाइट डे। तो उसमें फिर लड़कों को वापस उठारी लड़कियों को व्हाइट डे पे 14 मार्च को फिर वो अपने गिफ्ट देगा। तो व्हाइट डे करके ऐसे बड़ा फेमस है। नंबर 2, इंडिया में जैसे हम लोग दिन में नहाते हैं ना, अब सुबह उठे, अरे भाई अपना काम पे जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को जिसको जहाँ भी जाना है, सुबह उठ के अपना नहा धो के अपना चला जाएगा। जापान में सुबह उठ के नहाते नहीं है, वापस आके फिर रात को नहा के फिर सोते हैं। जापानीज लोग रात में नहाते हैं, दिन में नहीं नहाते, दिन में सिर्फ उठते हैं मुंह धो के। उनका ये मानना है कि सुबह सुबह सबको काम पे जाना होता है, जल्दी होती है तो आराम से रिलैक्स करके नहा नहीं सकते, तो इसलिए वो रात को आके अपना बाथटब वाटर में लेट के रिलैक्स करके नहाते हैं, खूब टाइम लगाते हैं और सुबह नहीं नहाते। और हम इंडियन होते हैं, हम तो सुबह नहाते हैं, तो कोई बोलेगा कि सुबह बिना नहाया गया। जब बाहर जाते तब साफ सुथरा बन के बाहर जाओ, नहीं वो कहते हैं जब पूरे बाहर की गंदगी जब लगी होती है तो वो घर आके साफ करके फिर आराम से अपने बिस्तर पे साफ सुथरा सो, उससे नींद अच्छी आती है। तो सबका अलग अलग मानना अपना, इसमें हम क्या करें, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ, नंबर 3, हम इंडियन लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं खाना खाने से पहले, और मानोगे नहीं जापान में लोग, जापानीज लोग जो होते हैं खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं। रात दिन में भी, रात को भी, जब भी खाना खाते हैं उसके बाद ब्रश करते हैं, पहले नहीं करते। सुबह उठ के यार मुंह में अजीब सी बास आ रही होती है, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर खाते हैं ना, ये खाना खाते हैं उसके बाद फिर ब्रश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा सिस्टम अलग है, तुम्हारा कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या जब खाना खाते हैं तब मुंह में खाने की स्मेल आती है और कुछ खाना लग जाता है, तो सब साफ करके पहले ब्रश करके क्या फायदा। तो मैंने कहा यार पहले गंदा मुंह से खाना खाओगे तो वो भी तो जर्म्स अंदर जाएंगे, तो पहले मुंह साफ करके खाना खाओ, फिर उसके बाद कुल्ला उल्ला करके ठीक हो जाता है। तो इसमें बहस चलती रहती है, कोई मान के राजी नहीं है। नंबर 4, डिनर करते हैं हम इंडिया में। नॉर्मल टाइम क्या होता है डिनर का, 8 बजे 9 बजे पूरे घरों, जैसे घरों में खाना वाना खाते हैं, सब बात होती है कि भाई डिनर पे चल रहे हैं या डिनर पे तो मेरे घर आ जाओ, तो 8 बजे के आसपास ही तो आएगा कोई। जापान में क्या होता है डिनर का टाइम 5 बजे 6 बजे, इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं प्रॉपर डिनर। अरे मेरे से फोन करके बोल रहा कि तूने डिनर कर लिया 5 बजे, मैंने पागल है क्या, सारे 5 बजे डिनर कर लूं। तो 5-6 बजे के आसपास खा लेते हैं, उसको ही डिनर टाइम बोला जाता है यहाँ जापान में। अब अच्छा है बुरा भैया जैसा भी है ऐसा ही है। पांचवी चीज है, 95 से लेकर 99% जापानी जो होते हैं ना, सबके पास अपनी डायरी होती है स्केड्यूल की, उसको बोलते हैं निक्की। लड़की का नाम नहीं है, निक्की वो उसको बोलते हैं जापानीज में। वो तो अच्छी बात है, अपना शेड्यूल बना के रखो, ये तो अच्छी बात है। पर यार एक डायरी में लिखना है, मतलब आजकल स्मार्टफोन है, सब कुछ आईफोन चल रहे हैं, उसमें इतनी 36 तरह की ऐप आती है, उसमें डाल के अपना कर लो। पर यार नहीं, वो डायरी प्रॉपर होती है जिसमें खाने जो बना होता है 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च 5 मार्च, उसमें अपना लिखते हैं मतलब अपना छुट्टी का दिन लिख लेते हैं, इस दिन छुट्टी है, फिर अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ मिलके अपने दिन मिलाते हैं कि इस दिन मैं भी फ्री हूँ, इस दिन तू भी फ्री है, तो चल कुछ प्लान बनाते हैं। किसी भी जापानी का बैग खोल के देख लो तो कहेगा मेरी डायरी है, इसमें डायरी में देख, और उसमें देख भी लो तो उसमें ये लिखा होता है किस किस दिन साला फ्री है, किस किस दिन साला खाली है। कि यार तो धर ले अपनी डायरी, अपना सिक्योरिटी हमें चाहिए। छठा वाला जो मेकअप, जो चाहे कैसी भी हो मेकअप तो हर लड़की करती है ना दुनिया में। जापानीज लड़कियां जो होती है वो होगी 20 साल की वो भी बहुत मेकअप करेगी, वो होगी 30 साल की वो भी बहुत मेकअप करेगी, 40 साल की होगी वो भी बहुत मेकअप करेगी, 50 की होगी, 60 की, 70, 80 साल की आंटी जी भी होंगी ना एकदम, जिनका बुढ़ापा एकदम कहीं लास्ट चरम सीमा पर है, वो भी फुल ऑन जब बाहर निकलती है फुल ऑन मेकअप के साथ निकलती है। बिना मेकअप की यहाँ पर एक टर्म है, उसको सुपिन बोलते हैं जापानीज में, सुपिन, विदाउट मेकअप। तो विदाउट मेकअप जापानीज लड़कियां, 95% जापानीज लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, बहुत हैवी मेकअप करती है, और जिस दिन मेकअप नहीं करा होता उनको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो मास्क लगा लेती है। लड़के भी मेकअप करते हैं यार, वो लिपस्टिक, लाइट लिपस्टिक लगाते हैं
और ये आईब्रो जो होती है, लड़के अपनी आईब्रो शेव कर लेते हैं, ऐसी शेप बनाते हैं आईब्रो की, रेजर से पूरी शेप कर ली या आधी शेप कर ली, फिर पेन से बना दी, वो देख के इतनी मेरे को तो बहुत घिन आती है, पर ऐसा ही है यहाँ पर। मुझे भी बोलते कि तू भी अपनी आईब्रो शेव कर, साले के मारो मैं तो साफ। कॉन्टैक्ट लेंसेस जापान में ना, मैंने, मेरे को 3-3.5 साल के आसपास हो गए, मैंने एक ना औरत ना आदमी ना लड़का ना लड़की नहीं देखा जिसने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने हो। सबकी यार मेरे को आगे शौक होता है कि तुम सबकी आगे खराब है यार, कोई एक तो आगे जो आके ठीक हो। ट्रेन में, बस में, रोड पे या फिर ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे आंख करेंगे और पट्टे से दवाई डाल देंगे, आंख करेंगे पट्टे से दवाई डाल देंगे, लड़की हो या लड़का, बूढ़ा हो या बुढ़िया, ट्रेन में भी ऐसे खड़े खड़े दवाई डालते हैं। नंबर 8, जापान में क्या होता है, ये बड़ी स्ट्रेंज चीज लगी मेरे से, जब मैं जैसे जो मेरे कलीग होते हैं, को वर्कर होते हैं, या फिर जैसे कहीं पार्टी में जाते हैं, लोग मिलते हैं, पूछते कि तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मैंने कहा यार ये नई चीज लाए हो तो, किचुए की गाता जापानीज में, नानी गाता देश का, नानी गाता देश का, इसका मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, मैं बोलता मेरा तो बी पॉजिटिव है, कह रहा अच्छा बी ग्रुप है, तब बी ग्रुप है इंडिया में, कह रहे सर इंडिया में मोस्टली बी ग्रुप होते हैं, जापान में मोस्टली ए ग्रुप होते हैं, तो उससे ये कैरेक्टर डिसाइड करते हैं तुम्हारा कि तू बी, अगर तेरा ब्लड ग्रुप बी है तो तू अनकैटेगराइज्ड है, तू लाउड है, तू शोर शराबा ज्यादा मचाता है, ज्यादा सामान ठीक से रखता है, लापरवाह है, ऐसा कैरेक्टराइज करते हैं बी। ए ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो होता है ऐसा, ये बोलते हैं मेहनती होते हैं और चीजों को संभाल के रखते हैं और हर चीज एक कैटेगराइज वे में जीते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ये सब इमेज है ए की। तो मैंने कहा बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव भी होते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव भी होते हैं, ए भी पॉजिटिव ए भी नेगेटिव भी होता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव भी होता है, उनका क्या कैरेक्टराइज है, फिर छोटी आंख ऐसी बड़ी हो जाती है, ये तो हमें नहीं पता, और सारे छूटते आते हैं कि तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप से तो यार कोई जज नहीं करता कहीं पे भी। नंबर 9, जापान में क्या था, एज से भी बड़ा तुम्हारे साथ लोग घुलेंगे मिलेंगे, अगर एज फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उम्र में छोटे हो या बड़े हो क्या फर्क पड़ता है यार उस चीज से, कोई ऐसा पूछते पहली बार मेरा पूछ ले तो भाई तू कितने साल का है, लड़की और लड़का कुछ फर्क नहीं, इसे सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, दोस्त बन जाए उसके बाद पूछते हैं, दोस्त बनने से पहले पूछते हैं चीजें। नंबर 10, टॉयलेट जाते हैं जब करते हैं, पानी से धोते हैं या फिर वॉशलेट होता है उससे धोते हैं, यहाँ पर टॉयलेट पेपर होता है और फॉरेन कंट्रीज में भी टॉयलेट पेपर से धोया जाता है, वेस्टर्न वगैरह में साफ करते हैं, तो कितना भी यार कागज से रगड़ लो छाप तो छूट ही जाती है, कह रहे नहीं नहीं पानी से रगड़ते हो गीला हो जाता है तुम फिर उसके ऊपर कपड़े पहन लेते हो, ये तो बहुत अनहाइजीनिक है, तो मैंने कहा तुम साले कागज रगड़ते हो पानी से धोते नहीं तो लगा रह जाता है, वो तो और भी ज्यादा अनहाइजीनिक है। इंडिया में जब जापानीज लोग जाते हैं तो वहां पर वो तो वॉशलेट होता है, जेट होता है, जो जापान में जो बाथरूम होते हैं ना उनमें नलका नहीं होता, क्यों डब्बा वब्बा भर के भी अपना काम चला, नलका नहीं होता, जो है बस वो पॉट लगा हुआ और टिश्यू पेपर है उसी से करो, और बाकी कहीं और वॉशलेट जेट वेट होता है, पर पब्लिक टॉयलेट्स में जेट कम होता है, किसी में जेट नहीं भी होता, और अपने घरों में भी यार फिर अलग से जुगाड़ तो बनाना पड़ता है, डब्बा वब्बा लेके आओ ये सब सिस्टम करो, पानी बाथरूम में पानी का नलका का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर, चलेगा तो सिर्फ टॉयलेट पेपर। हाँ तो ये थे मेरी तरफ से 10 डिफरेंस जो जापानीज और इंडियन लोगों के बीच में है, अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बताओ कमेंट करके वीडियो कैसी लगी यार, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा उनको सच में बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं करा तो आराम से कर लेना बाद में, मैं कौन सा कहीं पकड़ जा रहा हूँ। और जब चैनल सब्सक्राइब करो तो यार वो घंटी का बटन होगा साइड में उसको दबा दे करो, ताकि मैं आगे कोई और वीडियो डालूं तो उसको मिस ना करो, अपना ख्याल रखना बस, अच्छा जी रहो।